यहाँ मैं आपको एक और बात शेयर करता चलूँ। मैंने एक दो इश्यूज़ देखे हैं। हम लोग ना बड़े विजिलेंट हैं इस मामले के अंदर, मेरी टीम है, हर चीज़ को हम लोग बड़ी गहरी नज़र से देख रहे होते हैं। हमारा कंप्लेंट सेक्शन है, कंप्लेंट्स को देखने के लिए डिपार्टमेंट है, टीम है, और फिर उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर के कंप्लेंट्स कौन कौन सी आई हैं और उसको कैसे हमने देखना है और उसके साथ क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, हमारे एंड पर क्या प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स में क्या प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने किस चीज़ को जो है वो उन SOPs को फॉलो नहीं किया जहाँ पर ये आई, तो वी कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। अब होता क्या, बार बार ऐसा होता है कि पहली दफ़ा कोई लोग गए होते हैं चीज़ लेने के लिए और वो हमारा नाम सुनकर गए हुए होते हैं, वहाँ से वो चीज़ उठाते हैं और वही सब कुछ जो मैं पीछे थोड़ा सा बता बैठा हूँ कि या टेम्परेचर वहाँ पर सुपरमार्केट के फ्रिज का ख़राब है, या वो धूप में आपकी गाड़ी में चीज़ पड़ी रह गई है, या वो कहीं एक्सपायर होने के नज़दीक है और अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से चीज़ आप ले गए हैं एंड यू आर द फर्स्ट टाइम कंज्यूमर, तो आपको यकीनन आप हर्ट होंगे कि हो इसमें तो जायका नहीं है, ये तो ख़राब है, क्योंकि वो अपना फ्लेवर लूज़ कर बैठा हुआ है। अब वो अगर ख़राबी नहीं भी हुई है तो वो ख़राबी की तरफ चल रहा है और वो अपना सबसे पहला उसका होता ही है ये कि वो अपना फ्लेवर लूज़ कर जाता है। अब हमारा चूंकि मैं एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट है लेकिन लोगों को चूंकि अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है, हम वहाँ पर ये कहते हैं कि काइंडली आप हमारे इस नंबर पर आप कॉल करें, हमें अपना कंप्लेंट रजिस्टर करें और इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आप लाहौर में हैं या करीब के एरिया में हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर हम उसकी रिप्लेसमेंट देंगे, आपको चीज़ चेंज करके देंगे, आपसे हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और यहाँ आप तावन कर दिया करें, हमारा जो कॉल हमारे ऑफिस से आया आपको हमारे उस डिपार्टमेंट से, आप काइंडली वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे और वो हेल्प करेगा हमें एनालिसिस करने में कि हम लोग इम्प्रूवमेंट की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। हम ओन करते हैं उन तमाम छोटी छोटी गलतियों के, बेशक हमने की हों या हमने ना की हों, हम कस्टमर सर्विस पर यकीन रखते हैं। देखिए फार्मर चीज़ मेकिंग का काम सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ बेची जाए और पैसा बनाई जाए, मैंने आपको पहले भी कहा अगर ये काम करना हो मैं प्रोसेस की लाइन में, मैं इसकी डिमांड्स आज भी ये स्लाइसेस और ये इस किस्म की डिमांड जो है ये बहुत ज़्यादा है, हम आज करना चाहें तो हम आज पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, बड़े ईजिली टेक्निक्स हैं, इक्विपमेंट है, हर चीज़ हम करते हैं, हमारा ये प्रोग्राम नहीं है। वी शुड वॉक व्हाट वी टॉक, जो हम कह रहे हैं हमें वो करके दिखाना है आपको, हम जो चीज़ आपको दे रहे हैं हम उसे ओन करते हैं, हम स्टैंड लेते हैं उस पर कि ठीक है हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है हम हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, हर एक को प्लीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम मेजॉरिटी को जरूर प्लीज करें। ये चैलेंजिंग है जो हमारे कस्टमर्स हैं जो ले रहे हैं जो हम पर ट्रस्ट करते, थैंक यू सो मच आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन वो लोग जो जिनको हमसे कुछ कंप्लेंट हो या कुछ हो या पहली दफ़ा कंज्यूमर हो, कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया तो किसी भी बात के बारे में एकदम कोई राय कायम करने से पहले आप एक दफ़ा हमसे रब्ता ज़रूर करें। आप देखें कि क्या इश्यूज़ हैं, जो देखिए मैं आई एम अ पैशनेट पर्सन, मैं मुझे अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने में आज भी मैं सोते जागते दिन रात, अगर मैं सोता हूँ तो रात को आखिरी बात मेरे जहन में चीज़ होती है, कुछ और भी होती है लेकिन चीज़ होता है वो जो है वो हावी होता है बातों पर, और सुबह भी जब मैं उठता हूँ तो पहली चीज़ मेरे जहन में होती है वो चीज़ मेरी प्रोडक्ट्स होती हैं कि मैंने इसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे करना है। मैं डेली इंप्रूवमेंट्स पर यकीन रखने वाला बंदा हूँ, मैं डेली लर्निंग पर यकीन रखता हूँ, मैं सब कुछ आप लोगों के जरिए ही मुमकिन है। आप मुझे फीडबैक देंगे अच्छा है बुरा है, आपकी फीडबैक अच्छा है तो आप ज़रूर मुझे अच्छा करें। देखिए अगर मेरी चीज़ अच्छी है तो आप मुझे अच्छा कहें, आप ज़रूर कमेंट्स में हमारी चीज़ की तारीफ करें। देखें ये मोटिवेट करता है, ये एनर्जी देता है आपको कि आपको अच्छा काम करें, और अगर आपको इश्यू है आप ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और मुझे मौका दें कि मैं उस चीज़ को देख सकूं, आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकूं और मैं आपको ऑन बोर्ड ले सकूं, आपकी एक तो इशू को रिजॉल्व कर दूं और उसके साथ साथ मैं आपको आपकी चीज़ लेके अपनी प्रोडक्ट को और बेहतर करूं, हेल्प मी आउट इन दैट, ठीक है ना। इस कंपनी को अपनी कंपनी समझें, ये वो कंपनी नहीं है कि बस ठीक है बिक गई है चीज़ बेच दी है पड़ी हुई है बेच दी है ख़त्म हो गया और कस्टमर आ जाएंगे, नो सर, टू मी एवरी कस्टमर इज़ एन एसेट, चाहे वो 250 ग्राम की चीज़ लेता हो चाहे वो मुझसे 2 टन का ले रहा हो, मेरे लिए इक्वली वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं। हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ग्रोथ हमारी है अभी भी बढ़ती जा रही है, बल्कि मैं आपको सच्ची बताऊँ इस वक्त हमें मैच्योर चीज़ की इतनी इशू है, डिमांड इतनी बढ़ गई हुई है कि मेरे लिए इन यूनिट्स पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्केल अप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी हमारा बहुत एनर्जी और पैसा और बहुत कुछ लग रहा है उसके ऊपर, और जैसे वो हो जाएगा तो हम उस प्रोडक्ट्स को इतने बड़े पैमाने पर ले आएंगे कि आपको पाकिस्तान को इम्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा।